फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ब्लाउज के गले के बारे में जानकारी दूंगी, क्योंकि क्या हो जाता है कभी कभी, जैसे बैक साइड का नेक हो या फ्रंट साइड का नेक हो, वो कम ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, जब भी हम सिलाई करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि ब्लाउज का गला कितना लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे जब भी हम गले की कटिंग करते हैं तो जो नए सिलने वाले होते हैं उनसे क्या हो जाता है, एक तो गला छोटा हो जाता है। गला छोटा होने के कारण क्या हो जाता है, ये कटोरी की फिनिशिंग भी ख़राब हो जाती है, और यहाँ पे हमारी जो मतलब ऊपर के साइड में गला आता है तो ब्लाउज़ की फिनिशिंग जो है वो ख़राब हो जाती है, ये ठीक से नहीं बैठती है तो ब्लाउज़ हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि गले के बारे में भी आपको ठीक से जानकारी लेनी है। जब डीप गला हो तो ये गला जो है नीचे के साइड में आ जाता है, तब भी ये जो कटोरी का पार्ट होता है ये भी बहुत कम आता है, ये भी हमारा कटोरी जो है वो ख़राब हो जाता है, या ब्लाउज़ की फिटिंग भी ख़राब दिखती है, और नीचे गला आएगा तो वो गला भी आपका ख़राब दिखता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आप गले की कटिंग करते हैं, जब हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो आपका गला जो है वो अच्छे से नापना है, आपका गला कितना है। तो जब आप ब्लाउज़ का गला नापते हो, जैसे हम इस तरीके से गला नापते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारा 6 इंच गला आता है, यहाँ पे हमें स्क्वायर में गला करेंगे तो 6 इंच आता है। आप चाहे तो इसको क्रॉस में भी गला नाप सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी हमारा ये 6.5 इंच आता है, आधा इंच हमारा ये गला जो है वो बढ़ जाता है। तो अब आधा इंच हमारा गला बढ़ जाता है तो इसे हमें क्रॉस में लेने के कारण हमें आधा इंच बढ़ जाता है, और यहाँ पे हम इस तरह से लेंगे तो ये 6 इंच आता है। अब 6 इंच हमारा गला आया तो जब भी हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो हमें जब गला है तो 6 इंच नहीं लेना है, क्योंकि क्या हो जाता है, जब हम गला सिलते हैं 6 इंच हम गला लेंगे तो इसमें हमें जैसे यह कटोरी थोड़ी कम ज़्यादा हो गई कि या इस साइड का पार्ट जो है वो कम ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करते हैं, हल्का सा राउंड शेप देते हैं। तो ये कटिंग करने के बाद ये इधर यहाँ पे भी आपका जो कटिंग करने में 1/4 इंच चला जाता है, उसके बाद हमारा सिलाई में 1/4 इंच चला जाता है, 6 इंच का गला हमारा 6.5 इंच बन जाता है, 6.5 इंच बन जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे ये ब्लाउज गला जो है वो बड़ा दिखता है, तो इससे क्या होता है, ब्लाउज़ हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे हमारा 6 इंच गला आया है तो आपको 5.5 इंच ही गला कट करना है। अभी पहले तो आप 5 इंच ही कट करेंगे तो भी चलता है, गला जो है हमेशा फ्रंट का हो या बैक का हो, हमेशा आपको क्या करना है, गला छोटा कट करना है। जब हम ब्लाउज़ सिलते हैं, पूरा ब्लाउज सिलना है, पूरा ब्लाउज सिलने के बाद हम पाइपिंग, लास्ट में हमें पाइपिंग लगानी है। लास्ट में पाइपिंग लगाने के बाद पहले आपको चेक करना है कि पहले आपको शोल्डर को ज्वाइंट करना है। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद हल्का सा यहाँ पे आपको हमारा कितना गला है वो नापना है, क्योंकि शोल्डर में भी हमारा 1/4 इंच चला जाता है, शोल्डर में हमारा 1/4 इंच चला जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शोल्डर को ज्वाइंट करने के बाद आपको गला नापना है। गला नापने के बाद जैसे गला हम छोटा कट करते हैं तो यहाँ पे हमें 1/4 इंच छोड़ के, जैसे 6 इंच है तो 5.5 इंच को हमें इसे कट करना है, और 6 इंच पे मार्किंग करनी है, और फिर उसके ऊपर हमें ये पाइपिंग जो है 6 इंच पे पाइपिंग आनी चाहिए। तो 6 इंच पे हमारी जो सिलाई आती है अंदर के साइड में वो पाइपिंग बनती है, तो हमारा गला जो है वो परफेक्ट आता है। तो इससे क्या हो जाता है, जैसे हमेशा क्या करना है, पूरा ब्लाउज सिलना है, जैसे ये पार्ट भी सिलना है, कटोरी का पार्ट, इसके साइड का पार्ट, ये भी पार्ट पूरा सिलना है, बैक साइड भी आपको ज्वाइन करनी है, शोल्डर ज्वाइन करना है, स्लीव ज्वाइन करनी है, फिटिंग करनी है, लास्ट में आपको पाइपिंग बनानी है। तो पाइपिंग बनाने के पहले आपको क्या करना है, शोल्डर को जब हम ज्वाइन करते हैं तो शोल्डर ज्वाइन होने के बाद हमारा परफेक्ट गला निकलता है। क्या हो जाता है, हम कम गला लेंगे तो इसमें भी ज्वाइन करेंगे तो और कम हो जाएगा, ज़्यादा लेंगे तो इसमें ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है, पहले आपको शोल्डर को ज्वाइन करना है, शोल्डर ज्वाइन करने के बाद ये पूरा ब्लाउज़ आपको सिलना है, सिलने के बाद आपको देखना है कि आपका ब्लाउज़ की गले की लंबाई कितनी है। अभी गले की लंबाई देखनी है और हल्का सा मार्किंग करना है कि 6 इंच तक हमारी लंबाई है, तो 6 इंच पे हम एक मार्किंग करेंगे, राउंड शेप देंगे गले के लिए,
और गले के लिए राउंड शेप देने के बाद चेंज पे हमारी जो पाइपिंग है वो आनी चाहिए, उसके बाद वो अंदर के साइड में मुड़ जाती है और यहाँ पे हमारा गला जो है जितना हमारा गला चाहिए उतना हमारा परफेक्ट गला निकलता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, जितना आपका गला है उतना कभी भी नहीं काटना है, उससे कम आधा इंच या पौन इंच आपको गला कम कट करेंगे, कम कट करेंगे तो इससे इससे क्या हो जाता है आपका जब सिलाई के वक्त हमारा गला जो है एकदम परफेक्ट निकलता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे फ्रंट साइड हो या बैक साइड हो, बैक साइड का गला भी हो जितना आपका गला होगा उतना आपको पहले नापना है, तो उससे आधा इंच कम गला लेना है। उसके बाद आपको ये मार्किंग करके गले के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा, जब भी हम गला कटिंग कर गले की पाइपिंग करते हैं तो हल्का सा राउंड शेप जैसे थोड़ा सा कट करके ही हमें फिनिशिंग के साथ ही हमें ये गले की पाइपिंग जो है वो बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको गले के बारे में बताया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।